बहुत साल पहले की बात है, छोटे शहर में एक बच्चे का जन्म होता है और बचपन में ही उसे खेलने कूदने का और खाना खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता गया, एक टाइम ऐसा आया उसका खेलना कूदना बिल्कुल बंद हो गया और खाना पीना बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया। तो जब वो आसपास के लोग को देखता था, वो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे अगर वो अपने साथ कंपेयर करे, क्योंकि उसकी बॉडी की शेप बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। बॉडी में बहुत ही ज्यादा फैट गेन हो गया था, उसकी टोन निकल गई थी, तो उसको ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। तो उसने प्रण लिया, मैं भी औरों की तरह बनूंगा, मैं भी अपनी बॉडी की अच्छी शेप करूंगा। तो आसपास के लोगों की राय लेने लग गया। कुछ की राय उसको सूट भी कर रही थी, कुछ की राय बिल्कुल ही सूट नहीं कर रही थी। बट उसकी बॉडी में फर्क ना ही वो देख पा रहा था, ना ही कोई अदर पर्सन। उसकी हिम्मत बिल्कुल टूटती गई। तो एक दिन उसने बहुत ही ज्यादा सोचा और डिसीजन लिया, भी कुछ भी हो जाए मैं अपना फैट कम करके ही रुकूंगा। तो उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिससे वो अपनी मनचाही बॉडी की शेप बना सकता है बहुत ही इजी। तो वो क्या चीज थी? यूट्यूब। और यूट्यूब पे उसने एक ऐसा चैनल ढूंढ लिया जो भी उसकी बॉडी की प्रॉब्लम है वो चैनल के थ्रू वो ठीक हो सकती है। उस चैनल का नाम है सूरज अड्डा। तो उसने एक वीडियो प्ले की जिसमें उसको सीखने को मिला भी फैट कैसे कम करे, और उसने ये जर्नी को पूरा भी किया। तो वीडियो मैं आपके साथ प्ले कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम सूरज अड्डा। अगर आपका फैट नहीं कम हो रहा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ही इजी वे में आपकी फैट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे। मोस्टली इंडियंस इसलिए फैट नहीं कम कर पाते क्योंकि उनकी डाइट में बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं। तीन तरह के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसे मैक्रोन्यूट्रिएंट बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इससे ही बॉडी रेगुलेट होती है। बॉडी की पूरी फंक्शनिंग इन तीनों न्यूट्रिएंट के ऊपर ही डिपेंड करती है, और इसके साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन एंड मिनरल। बट इंडियन डाइट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हर एक पर्सन का फैट गेन हो जाता है। तो आपने करना क्या है, हर कोई पर्सन दिन में तीन मील्स लेता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और मोस्टली इंडियन डाइट्स में चपाती और राइस ही होते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं अभी कोई एक रैंडम पर्सन ब्रेकफास्ट में 3 चपाती खाता है, और लंच में भी 3 चपाती, और डिनर में 2 चपाती, पूरे दिन में 8 चपाती करता है। तो आपने करना क्या, हर मील के साथ आपने प्रोटीन के सोर्सेज ऐड कर देने हैं। कैसे? इसमें बस एक ट्विस्ट है, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो 3 चपाती का, तो आपने 1 चपाती को कट करके वहां आपने उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देना है। और प्रोटीन का कौन सा सोर्स आपने पिक करना है? 1 ग्लास मिल्क। मिल्क के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है। तो सुबह सुबह आप सब्जी के साथ अगर चपाती खा रहे हो, बस आपने 1 चपाती कट करके 1 ग्लास मिल्क ऐड कर देना है, दैट्स इट। अब बात करते हैं लंच में। तो लंच में भी आप 3 चपाती खा रहे हो, तो अगेन आपने 1 चपाती कट करके प्रोटीन का सोर्स ऐड कर देना है। कौन सा? सोयाबीन जंक्स या सोयाबीन न्यूट्री। सोयाबीन बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स या चिकन भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे चैनल पे मोस्टली लोग वेजिटेरियन ही आते हैं तो इसलिए मैं वेज डाइट को ज्यादा प्रमोट करता हूँ। बट अगर आप नॉन वेज हो तो मैं नॉन वेज की ऑप्शन आपके साथ शेयर कर दी। तो वहां भी आप 1 चपाती कम करके सोयाबीन की सब्जी खा सकते हो। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर में आप 2 चपाती खाते हो, तो डिनर में आपने पनीर ऐड करना है 50 ग्राम, जो डेयरी पनीर होता है। तो पनीर बहुत ही ज्यादा हैवी होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन के साथ फैट भी होता है। तो यहाँ आपने करना क्या है, दोनों चपाती ही कट कर देनी है, उसकी जगह टोटली पनीर ही ऐड कर देना है। जितनी 2 चपाती के अंदर कैलोरीज होती है उतनी आपको पनीर के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप 1 चपाती कट करोगे तो पनीर हमें कम करना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता पनीर कम करो। तो रात को आप 50 ग्राम पनीर ऐड कर सकते हो सब्जी के साथ, तो ये आपकी अच्छी ऑप्शन रहेगी। तो तीनों मील्स के अंदर हमने प्रोटीन तो ऐड कर लिया, मतलब 3 मेजर मील हमने बैलेंस कर लिए। ये सबसे हमारा पहला मूव था फैट कम करने में। अब बात करते हैं दूसरे मूव की। इसमें आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच के बीच में अगर आपको भूख लगती है, या फिर लंच या डिनर के बीच में अगर आपको भूख लगती है, तो वहां भी हमारे पास ऑप्शंस होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। यहाँ तो आप कोई भी फ्रूट पिक कर सकते हो, मतलब कि जो आपको अच्छा लगे। अब आप सोच रहे हो हमें तो कोई नहीं अच्छा लगता, इतने तरह के फ्रूट्स होते हैं, कोई तो आपको अच्छा लगता होगा। एप्पल, गावा, पोमोग्रेनेट, कीवी, ऑरेंज, वाटरमेलन, इतने तरह का फ्रूट्स आता है। तो आप सभी फ्रूट पिक कर सकते हो या कोई एक भी पिक कर सकते हो। तो वहां एक ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो इन बिटवीन लंच एंड ब्रेकफास्ट। और दूसरी ऑप्शन क्या है, आपने हैंडफुल पीनट्स और चने ऐड करने। अगेन ये दोनों बहुत ही अच्छे सोर्स है प्रोटीन के, तो इसलिए मैंने दोनों पिक किए। तो कोई भी टाइम आप दोनों को ऐड करके ये मील एंजॉय कर सकते हो। बट ये मील्स आपने तभी ऐड करने हैं जब इनका टाइम हो, मतलब कि ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच से पहले, या फिर लंच के बाद और डिनर से पहले। ये दोनों स्लॉट आपने फिल करनी है ये चीजों से। ये दोनों चीजें ही मैंने क्यों पिक की, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, स्पेशली फ्रूट्स के अंदर। तो अब आपकी डाइट में प्रोटीन भी बहुत ही अच्छी अमाउंट में मिल गया, और कार्ब्स एंड फैट्स तो ऑलरेडी होते ही है, और विटामिन एंड मिनरल्स भी मिल गए। तो अब आपकी डाइट जो बन गई है वो बन गई है बैलेंस डाइट। अगर आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट मिलेगी तभी आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग कर पाएगी। क्योंकि अगर आपने फैट कम करना है या फिर मसल गेन करना होता है तो कौन हेल्प करेगा आपकी? आपकी इंटरनल फंक्शनिंग, मतलब कि इंटरनल बॉडी। तो उसको एनर्जी चाहिए होती है गोल को अचीव करने के लिए। तो उसको एनर्जी के कौन से सोर्सेस चाहिए होते हैं, ये सभी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की, मतलब की कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड साथ में प्रोटीन, और साथ में विटामिन एंड मिनरल। तो ये चीजें ही कंज्यूम करने के बाद आप अपनी मनचाही बॉडी बना सकते हो। के साथ एक और मैं चीज शेयर कर देता हूँ, अगर आप वो चीज ऐड करते हो तो आपके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, और ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा आपके लिए
जरूरी है, कौन सी ऑप्शन, एक्सरसाइज। आपने डेली एक घंटा वर्कआउट करना है, बट घर पे नहीं करना, आपने जिम जाकर ही करना है। अगर आप सोच रहे हो मैं घर पे कर सकती हूँ, जिम बहुत दूर है या मेरा मन नहीं करता, तो आपको मैं बता दूं घर पे आप 2-3 दिन ही कर पाओगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे। जिम में एटलीस्ट वो आपको एटमोसफेयर तो मिल जाएगा। तो जब आप जिम में एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आपका एक घंटा कब फिनिश हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो डेली आपने एक घंटा जिम के अंदर स्पेंड करना है, बस उसमें दो स्प्लिट कर देनी है, 40 मिनट की विंडो अलग से, 20 मिनट की विंडो अलग से। 40 मिनट आपने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करनी है, मतलब कि वेट लिफ्ट करना है। कुछ लोग डिवाइड कर लेते भी, एक दिन मैं चेस्ट की एक्सरसाइज करूंगा, बाइसेप की एक्सरसाइज करूंगा, एक दिन लेग्स की एक्सरसाइज करूंगा, या एक दिन बैक की एक्सरसाइज करूंगा, जैसे आपको सही लगे। 40 मिनट आपने डेली एक्सरसाइज करनी है और 20 मिनट आपने क्या करना है, कार्डियो। कार्डियो में आपने कोई भी एक एक्सरसाइज पिक कर लेनी है, या तो ट्रेडमिल, उस पर वॉक, रनिंग या ब्रिस्क वॉक, या फिर साइकिलिंग, स्टेयर मास्टर, एलिप्टिकल, बहुत सारी ऑप्शंस होती है कार्डियो के अंदर। तो आपने एक कोई भी पिक करनी है, उसको 20 मिनट तक सेम स्पीड पे करते रहना है। मैटर नहीं करता भी आपकी इंटेंसिटी क्या है, मैटर ये करता भी आपने एक ही स्पीड पे वो 20 मिनट तक करना है। तो ये सारी ऑप्शन बहुत ही हेल्प करेंगी आपको फैट लॉस करने में, और एवरी वीक आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बस आपने शुरू करना है जल्दी से जल्दी। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो या कोई अदर टॉपिक्स के ऊपर, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, वहां मुझे आप सपोर्ट दिखा सकते हो, वहां मैं अपनी पर्सनल वीडियो शेयर करता हूं एक्सरसाइज की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद कुछ वीक्स के बाद उसकी भी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट डे उसने अपनी बॉडी की पिक्चर ली और एवरी वीक वो अपनी बॉडी की पिक क्लिक करता रहा। कुछ वीक्स के बाद जैसी वो बॉडी चाहता था वो पिक्चर के अंदर, वैसी उसकी बॉडी बन गई, क्योंकि वो वीडियो को उसने फॉलो किया। तो ये जो मैंने आपके साथ कहानी शेयर की, ये सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। अगर आप भी चाहते हो ऐसी और कहानियां या सच्ची घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।